तो मैं दो टैची भर के कागजों के लेके गया था साथ में, जिसकी मैंने तैयारी करनी थी। तो मैं रिजॉर्ट में तैयारी कर रहा था, संगत सारी चारों गाड़ियों में अमारिया रिजॉर्ट शाम को फिर दोबारा चली गई, जैसे कि वहाँ प्रोग्राम डिनर का था और रात का प्रोग्राम। जब एंट्री नहीं मिली तो शर्मा आंटी ने कहा चलो सब ऊपर दरबार में, और सारी चंडीगढ़ की संगत और भी संगत जो वहाँ पहुँची हुई थी लेके शर्मा आंटी। ग्लास है तो पूरा दिखाई देते हैं। मैं कहा कहाँ है ब्रेक मारी, मैं कहा कहाँ है गुरुजी, मैं कहा वही हमारा रिसोर्ट होएगा जहाँ हमने बुकिंग करी है। चीजा नु तो कौडियां दे पास सुट रहे हैं क्योंकि सस्ते ही दे रहे थे। बड़े आई लव यू कह रहे सी, पुंदा में जा रही हूँ तो मैं नुते बिठा हुए ता मन्ना की आई लव यू कर दे हो ना मन्ना की प्यार कर दे। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी सार संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसे कि भी पार्ट थ्री में आपने देखा था कि अमारिया रिजॉर्ट से हम अपने अपने नाइट स्टे वाले रिजॉर्ट्स में पहुंच गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे को अचानक बॉम्बे से कॉल आ गई थी एक कोर्ट केस के लिए, तो मैं दो टैची भर के कागजों के लेके गया था साथ में, जिसकी मैंने तैयारी करनी थी। तो मैं रिजॉर्ट में तैयारी कर रहा था, संगत सारी चारों गाड़ियों में अमारिया रिजॉर्ट शाम को फिर दोबारा चली गई, जैसे कि वहाँ प्रोग्राम डिनर का था और रात का प्रोग्राम था। जब संगत वहाँ पहुँची तो जो रात का प्रोग्राम था वो तकरीबन हॉल फुल हो चुका था, तो संगत को वहाँ एंट्री नहीं मिली। जब एंट्री नहीं मिली तो शर्मा आंटी ने कहा चलो सब ऊपर दरबार में, और सारी चंडीगढ़ की संगत और भी संगत जो वहाँ पहुँची हुई थी लेके शर्मा आंटी, उनको दरबार ऊपर ले गए दरबार पे। और दरबार के पीछे जो टेरिस है वहाँ पे शर्मा आंटी और सारी संगत ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वहाँ पे सत्संग भी हुए, नाच गाना भी हुआ और फुल ऑन एंटरटेनमेंट हुआ, जो कि संगत जी अब आप पार्ट फोर्थ में देख रहे हैं, ये आपके सामने। जय गुरु जी। ¡Ay, qué!
ਦੇ ਦਿੱਤਾ रामनगर में तुझे कैसे
जी कह रहे थे कि इत्थे आ जा रामनगर रामगढ़, मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि रामनगर बोला है या रामगढ़। कहती वो रामगढ़ है और वहीं पे लस्सी आंटी का रिजॉर्ट है, मैं वहीं से आ रही हूँ और मैं सत्संग गुरु जी ने मुझे वहाँ सत्संग करवाया और लस्सी आंटी ने मतलब खुद इजाजत दी मुझे सत्संग करने की और वो यहाँ पे सत्संग कर रही थी। तो अभी दो तीन चार दिन पहले ही मुझे शीतल आंटी का कॉल आता है और कहती है कि तू जा तेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैंने कहा क्या पूरा हो गया? कहती है तुझे रामगढ़ बुला लिया गुरु जी ने। मैंने कहा कैसे? कहती है लस्सी आंटी के रिजॉर्ट पे सत्संग में मैं कैसे जाऊंगी वहाँ, मुझे तो पता भी नहीं है। कहती तू किसी से भी पता कर, कुछ भी कर, उन्होंने मुझे बताया। कहती ये तेरा ड्रीम था, तेरा बुलावा था। तो मैं रोटी बना रही थी बच्चों की और मेरी आंखों से झड़ 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 रहे ऐसे आंसू कि गुरु जी मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं आ पाऊंगी। मतलब सिर्फ उन्होंने इतना मेरे लिए हो गया कि मतलब मेरा बुलावा आ गया। मैंने सुबह भी बताया था ना कि दो डेढ़ महीने पहले मुझे यहाँ गुरु जी खुद बुलाया मुझे। तो शीतल आंटी कह रही है देख कोशिश कर कैसे भी। मैंने कहा मुझे ना ये पता बस कैसे मिलती, ना मुझे पता कैसे कैसे जाना, कुछ नहीं पता। हम लोग तीन चार आंटी आने का यहाँ प्लान कर रहे थे, तीन चार अंटिया, और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आए। ना ही हमने रामगढ़ का भी सुना, नैनीताल सुना है, भीम ताल सुना है, मतलब सारे ताल सुने लेकिन बस गुरु जी ने जैसे तैसे करके वो ट्रेल भी यहीं पे और कराया और जिनके थ्रू कराया है वो भी गुरु जी की संगत है। हमें होटल भी नहीं मिल रहा था। मैंने हिमांशु अंकल को भी कॉल किया, उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया। आंटी हाँ जिनको मैंने कॉल किया वो कहते हैं आंटी हाँ कुछ भी खा ली। और मैं निराश हो गई कि मतलब कि मतलब बिना होटल के हम कैसे चलते हैं, कहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे चाहे हम रोड पे सो जाएंगे, हम जाएंगे जरूर। और अभी एक्चुअली क्या कि हम लोग एक हफ्ते के टूर पर पूरी फैमिली गई थी, तो मैं ये डर भी रहती कि हस्बैंड मना कर देंगे, पर हम और आंटी ने ये डिसाइड किया कि जाएंगे तो याद कर लेंगे। अचानक मेरे परसों रात को एक बार को मना तो नहीं करोगे? कह रहे बोलो मना कर दूंगा। मैंने कहा यार मना मत करना फिर, तो कह रहे क्या है बोलो। तो मैंने कहा ना गुरु जी को बुलाओ आया जाना है, तो मैं लॉज के ना अपना सारा काम कर लूंगी और जो और थोड़ा सा तुम देख लेना फोटो लेना का फंसेगा तो देख लेना। जब शीतल आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी मैं उनके घर की, तो मेरे मन में ये थॉट आया, मेरे मन में थॉट आया क्या मेरी क्या गुरु जी मतलब उनकी गद्दी के सामने मैं बैठ के गुरु जी से ऐसे ऐसे सोच रही क्या मैं कभी जा सकती हूँ लस्सी आंटी के रिजॉर्ट पे। और ये अभी मतलब विद इन 10 days की अंदर की बात मतलब मेरे मैं मेरी ये सोच थी कि मतलब क्या मैं जा सकती हूँ कभी, मतलब मेरे ऐसे भाग होंगे कि मैं वो दर्शन कर पाऊंगी कभी। और देखो गुरु जी ने ये मुझे इनविटेशन 2 महीने पहले दिया था और ड्रीम में आके कहा था रामगढ़ रामनगर, मुझे समझ में नहीं आया रामगढ़ आ जाए। और आंटी हम लोग ने डिसाइड किया कि मतलब अभी हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताएंगे, जब हमारा सारा डिसाइड हो जाए हम रात को बैठ बैठ के पार्क में और फिर हमने डिसाइड किया बस से चलेंगे लोकल बस से और देखेंगे जो भी होगा। फिर हमने मैं हफ्ते में 2 बार आती हूँ और मैं आपको बता रहा चलता बच्चे जहाँ नैनीताल पढ़ते थे मैं 3 बजे सुबह चलती थी और 8 बजे मैं बच्चों के स्कूल में 5 घंटे में 8 बजे 3 बजे सुबह चलना, ड्राइवर हमारा होना था बंग का, 8 बजे अटेंड करना, बच्चों को लेना, उनको सारा दिन एंटरटेनमेंट करना और गुरु जी से पूछ के आती हूँ हमेशा गुरु जी में जा रही हूँ नैनीताल में सारा दिन। मान लो बच्चों को अटेंड करके जितने भी हस्बैंड के ही काम बता देते थे नैनीताल, उसको भी मिल लेना उसको भी मिल लेना ये भी काम वो भी सारे काम अटेंड करके रात को 9 बजे
उस टाइम अभी स्टार्टिंग थी सिर्फ एक ही हट थी, ये देखो ये सारा ही हिल था, पूरा हिल था, के बिरला का था, ये 70 acres का, तो ये पूरा हिल था। तो वहाँ इन्होंने शुरू में कॉटेज बनाई, एक दो जैसे थोड़ा सा अपना बना दी। अब ड्राइवर नीचे और मैं ऊपर अकेले जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ लॉइन शेप वगैरह सारे जैसे, और कौन लेके रहता था, शक्ति किसकी थी, गुरुजी की पावर थी। और अकेले ड्राइवर कहता था, मैडम मैं आपके साथ, मैं कोई जरूरत नहीं है, चिंता ना करो, नीचे बैठ, मैं फौरन ऊपर जाना। लाइट वो जो स्विच होते ना दरवाजे के नीचे, लॉक खोलना, स्विच बटन ऐसे ऐसे करके अंदर स्विच ऑन करना, और हम रहे हैं वेकेशन के लिए, लाइक 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं फैमिली के साथ, और दर्शन आपके करने हैं, मतलब आप वहां पे कहीं से भी अपने दर्शन जरूर कराना मेरे को। तो रास्ते भर जो जो भी रूट से हम लोग पहुंचे यहाँ पे, तो मेरे को रास्ते में बहुत जगह पे शिवलिंग के, मतलब शिव जी के मंदिर दिखाई दिए, उसमें शिवलिंग वगैरह सब ऐसे, तो मैं उसी में बड़ा खुश हो रहा था कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, मेरे को शिव जी के दर्शन हो रहे हैं हर जगह पे मंदिरों में, ठीक है। अब जब मैं ये पहाड़ में एंट्री करी, तो मैं जब पहाड़ में एंट्री करी तो फैमिली पीछे बोलती, बोरे गुरु जी ये अपने ये वाले येलो चोले वाले वहां से ग्लास है तो पूरा दिखाई देते हैं, मैं कहा है ब्रेक मारी, मैं कहा है गुरु जी, मैं कहा वही हमारा रिसोर्ट होगा जो आपने बुकिंग करी है, मेरे मुंह से ऐसे निकला। वहां एक अंकल खड़े थे, मैं कहा जी तो ये रिसोर्ट कहते नहीं आपका और नहीं है, वो हमारी रिसोर्ट है और आपका वो ऊपर वाला है। हम वहां गए, सामान उतार के अंदर रखा है, मेरे पैर नहीं टिके वहां, मैं कहा चल नीचे सीढ़ियां उतार, इधर उतार, यहां सीधा यहां आके दरबार में बैठ गए। बड़े सत्संग अटेंड करे दिल्ली में, करते रहते थे, क्या बोलता था, घर में भी सत्संग हुआ, कभी मौका नहीं लगा कि गुरु जी ने मेरे से भोग लगवाया, ठीक है, कभी भाई ने लगाया, कभी मम्मा पापा ने लगाया, तो हमें मौका नहीं लगा कि मेरे से हो या वाइफ को लगा उसने लगाया हो। तो मैंने ना सत्संग में जाना, वहां कोई आंटी किसी अंकल को उठा रही है तो किसी आंटी को उठा रही है कि आप आओ जी आप भोग लगा दो, तो मैं गुरु जी को कहता था कभी मेरे से भी तो भोग लगवा लेना, मेरा बड़ा मन करता है कभी मैं भी कोई आंटी उठाए मेरे को, आ जाओ जी आप लगा दो। तो यहाँ आके बैठा तो जो स्टाफ है यहाँ का वो आए और कहते कि प्रसाद बनाई थी, बनाओ, वो
प्रसाद वगैरह, कड़ा प्रसाद आ गया, पकोड़े आ गए, वो आ गए, चाय प्रसाद आ गया, सब आ गया। वो ढक के लेके आए, कहते जी आप भोग लगाओ। मैं कहा यार मैंने नहीं लगाऊंगा, आप ही लगा दो। नहीं जी आप लगाओ, अंकल उठो और लगाओ। गुरु जी ने यहाँ पे मेरे से भोग पहली बारी लगवाया 2019 में। जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तो इसलिए थी, उनको बड़ा शौक था कि हिल स्टेशन पे अपना घर हो चुका है, हिल स्टेशन पे घर हो, कभी कभी आए। अब प्रॉपर्टी इतनी बड़ी खरीद ली तो इन्वेस्ट हो गया पैसा, कैसे सारा जितना मनी थी इसको खरीदने में लग गया। खरीदने में लगे उसके बाद धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप देखोगे कल आप जाओगे ना ऊपर रोड हेलीपैड है, ऊपर पूरी रोड्स बनी है, ट्रैकिंग का भी है, सारा कॉटेज है, विला भी बन रही, सब कुछ बन रहा। तो उनका फिर इन्होंने धीरे 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 थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कर दिया। कभी कोई कॉटेज, कभी कोई कॉटेज, कभी कोई कॉटेज, ऐसे धीरे धीरे तो इनका ये काम घुस गया, क्योंकि पैसे है ना, पैसा खत्म हो जाता है। तो जब मैं गुरु जी के पास हम जाते थे तो मेरे को मौका लगता था गुरु जी के रूम में जाने का, क्योंकि गुरु जी के जो वस्त्र थे, चोले थे, वो वॉशिंग के लिए देते थे रात को गुरु जी। फरमान पे ऐसे चलते थे, जो उनका स्टॉल जो हम देखते हैं गुरु जी का, वो सारा नीचे वो जमीन पे होता था, ऐसे ऐसे मटक मटक के चलते और चलते चलते थे। फरमान पे आता गुरु जी आगे और मैं पीछे, बस रूम में जाना उन्होंने अपने, जो अभी भी एम्पायर स्ट्रीट में घूमा, रूम में जाना उन्होंने और एक उनकी आवाज़ हमेशा आती थी, ये गुण बुलाते थे। वॉशरूम में जाना, उनका जो वॉशरूम है उनके अंदर रेड मैरून कलर का पूरा कारपेट भी लगा हुआ था, मतलब बहुत ही सुंदर रूम था। पर मैंने बैग लगाया था तो मैं घुटनों के बल ऐसे बैठ जाती थी कि अभी चेंज करेंगे देंगे, तो बस कपड़े कई बारी तो उनका ये हिसाब होता था ऊपर से ही डाल देते थे ऊपर से डाल देते थे। तो जहाँ कई बार वॉशरूम में जाना, थोड़ा फ्रेश होना, और फिर इतना टाइम लगता था। जी मेरे को हमेशा कहते थे कि क्योंकि झिझक लगती है गुरु को कहने के लिए, हमने कभी कुछ नहीं कहा, कहते थोड़ा सा तू आइडिया तो दे आइडिया भी तू दे सकती आइडिया, गुरु जी के पास इतना तू अंदर जाती है, तू कह गुरु जी को गुरु जी करो कृपा करो कृपा, तू इतना कुछ कह सकती है। बिल्कुल वो कहते ना पंजाबी में कि पट्टी पढ़ा के पूरा, तो आज तो मौका, आज कह रहे अच्छा करो कृपा करो जी कर देंगे। मैंने जब अंदर जाना और मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती थी, जब मैं आवाज नहीं निकलती थी और मैं और बातों में गुरु जी ने कोई बात करनी शुरू कर देनी, गुरु जी ने कोई करते रहना। तो एक दिन पटियाला में सत्संग था, अब इनकी ब्रेक लग गई थी, जहाँ घर की भी ब्रेक और जहाँ की भी, ऐसा लाइफ में ऐसे कई चीजें आती हैं, कहाँ से लक्ष्मी कहाँ से आई। तो पटियाला में थी तो इन्होंने सोचा आज मैं जरा गुरु जी को ऐसे करती ना, कहीं मैं थोड़े नाल आज गल करी गुरु जी, कहते गुरु जी कहते तू की गल करनी है शर्मा तू की गल करनी है, ये मिल गए। क्योंकि गुरु जी ने हमें इतना प्यार दिया, इतना रिगार्ड दिया, तो ऐसे गुरु जी का बोलना शर्मा तू की गल करनी है, 2000 संगत थी तो इनको थोड़ा फील हुआ, तो चुप करके ना चले गए एक साइड बैठ गए। अब गुरु जी अपने चेयर पे आके बैठ गए, वो सब जाने जा रहा जोशी अंकल को कहा ये शर्मा कितने है, बुला के लिया।
शर्मी ने बुला के लिया। वो कहते जी शर्मा पता नहीं, कहते वो उठे बैठा, उनको पता होता भी कहाँ बैठा। आगे जी बड़े प्यार से शर्मा सोन, तू केड़ी चीजा नु रोना, कुछ भी नहीं है तेरी, तो तेन पता तेरी जान नु भी खतरा सीगा, तीन बारी ता मैं तेरी जान बचाई है, तीन बार ता मैं तेरी जान बचाई है। ये जड़ी चीजा तू, ये इनको ये था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्लॉट ले लेगा ना, कोई जैसे कोई एक प्लॉट ले लेगा, दो ले लेगा, कोई कॉटेज के लिए ले, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने जब आए भी ना, किसी ने लेना भी चाहा ना, गुरु जी ने लेने नहीं दिया, नहीं। गुरु जी ने फिर एक शब्द कहा, कहिंदे जिन चीजां नूं तो कौडियां दे पास सुट रहे हैं, क्योंकि सस्ते ही दे रहे थे, कौडियां दे पास जिन्हां चीजां नूं सुट रहे हैं, चौगने पचौगने रेटां ते थोड़ा सबर करना, चौगने पचौगने रेटां ते लोकी तेरे घर आके लैणगे, मिन्नतां करनगे कि सानूं उत्थे दे। जो गुरुजी एक वर्ड जो भी वर्ड कहा वो 102% सही निकला। मान लो लोगों ने इतना ऐसे आके जी हमें ये दे दो, जी हमें ये दे दो, और चौगने पचौगने दे दो, अगर उस टाइम ले लेते तो कौडियों की बात थी। कहने थोड़ा सबर करना, तो गुरु जी हर चीज जानते हैं, उनको हर चीज पता है। हम कई बार सोचते ना कि हमारी बात तो सुनते नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हम कितने गुरु जी को रिक्वेस्ट करते हैं, मिलते करते हैं, वो सब जानने वाले, वो सब सुनते हैं। आज जो आप आए, आपका मन भी खराब हुआ होगा कि वहाँ गाने बज रहे हैं, उससे 100 गुना गाने तो जहाँ कोई मन खराब नहीं हुआ। अगर आप कुछ कहोगे ठीक है, तो लंगर प्रसाद करके वहाँ जाके सत्संग ये होता ना, कई बार मेरे दोस्त संगत की जो मेरे को नहीं ये कुछ कहना नहीं, जैसे उनका हुक्म है मान के चले जाएंगे। गुरु जी का ये देखो, उन्होंने आपके हिसाब से ये प्रोग्राम बना दिया। आंटी अभी मैं आपकी फोटो दिखा रही थी ना आंटी, आपकी अभी उन्होंने पता है कि चंडीगढ़ की संगत चलती क्या, वहाँ तो बड़े सुंदर आपने देखे हुए हैं। जैसे आए तो संगत ने बोला हाँ आए, हथियारों के आए भी नहीं आपका, तो मैं ऊपर आई दरबार में और बैठे हैं, तो मैंने इनको बोला, बड़े आई लव यू कह रहे सी, पुंता में जा रही हूँ तो मैंने तो बिठा हुए ता मन्ना की आई लव यू कर दियो, ना मन्ना की प्यार कर दियो, मैंने आंटी देख लो बैठा लिया आपको, वहां से हम वहां गए और आंटी एकदम से नीचे आए और आंटी कहते मैं सत्संग करा नहीं, मैं सत्संग जाऊं। आंटी कहते हैं कोई बात नहीं, चलो ऊपर ऐसे सत्संग होएगा, गावांगे बजावांगे, ऐसा नचना है उतने की वाले नक्शे होने हैं आंटी, उतने की किसी ने नचना ही नहीं, वो सब कुर्सी में बैठे हुए हैं, कुर्सी में बैठे हुए देख के रही हूँ, सब कुर्सी में बैठे हुए हैं, तसल्ली हो गई, मैं देख के रही हूँ बगैर ना, मैं थोड़ा आंटी वहाँ पे फोन किया, जैसे मैंने बोला तो वो वहाँ पे थोड़े से हो गए, मैंने कहा आंटी क्या, आंटी क्या हुआ, वो हमें कहीं नहीं जाओ आप जाओ, मैंने सबको बोला आप जाओ बाहर, यहाँ पे भीड़ मत करो, क्योंकि वो रुकने नहीं दे रहे हैं। वो सारे पूछ रहे होंगे कि आंटी कहाँ, आंटी कहाँ, कहते थे तू कहाँ रहेगी, सारे पूछ रहे हैं। जल्दी जल्दी आप, मैं क्या, मैं नहीं, चंडीगढ़ की संगत बैठी है ऊपर, जय दिल्ली, जय शुक्राना। पहले तो आंटी आई लग रहा था आ नहीं सकते, कैसे आ रहे, जब आ गए इतना बॉम वेलकम आपने, आंटी वो बार बार कह रहे हैं वापसी, चलो अंकल बाहर चलो, ऊपर मत्था टेको, ते बाहर जाओ लंगर करो, वहां पे लंगर बोला भी ऊपर डायना नु इत्थे दी बाहर भेजो, बाहर कटो।
ना 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 ये नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आपने देखा कि रात को कितना आनंद लिया संगत में, और संगत की खुशियों का अंदाज़ा उनके सारे नाच गाने से लिया जा सकता है। मैं अपने केस की तैयारी करता रहा, और केस की तैयारी करते करते रात को मेरे एक एडवोकेट दोस्त कठिनाई में आ गए थे पंचकुला, जिनको पुलिस ने किडनैप कर लिया था। उनकी एक अलग वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। पार्ट वन नैनीताल सत्संग, पार्ट टू नैनीताल सत्संग, पार्ट थ्री नैनीताल सत्संग के लिंक इसमें डाल दिए जाएंगे, आप वो लिंक से वो देख सकते हो। और जो मेरे एडवोकेट मित्र पे परेशानी आई थी और गुरुजी ने उनका साथ दिया, और सुबह दिन चढ़ते ही सारी बाजी पलट गई। जो पुलिस वालों ने अत्याचार किया था उनके सस्पेंशन हो गई, और FIR कैंसिल होके मेरे एडवोकेट मित्र बाहर आ गए थे। वो भी लिंक बीच में मैं डाल दूंगा। संगत जी, अब अगले दिन सुबह फिर दोबारा संगत का पूरा वार्म वेलकम हुआ सत्संग के लिए, और सारी संगत का जैसे कि आपने पहुंचने पे वेलकम देखा था, वैसे ही दोबारा वेलकम हुआ सत्संग से पहले पहुंचने के लिए। मैं तो संगत से फिर दोबारा वहां पहुंच नहीं सका, क्योंकि मैं अपने केस की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखिए संगत का वेलकम कैसे किया शर्मा आंटी और उनके परिवार ने, ये आपके सामने।
संगत जी, संगत के वेलकम के बाद संगत ने ब्रेकफास्ट किया, ऊपर दरबार में मत्था टेका और फिर सत्संग हॉल में संगत चली गई। 12 बजे का टाइम था सत्संग का, तो मैं भी वहाँ 12 बजे तकरीबन बजने में 2 मिनट में वहाँ पहुँच गया। गुरु जी की रहमत रही कि पूरे सत्संग स्टार्ट होने से पहले मैं वहाँ पहुँचा, जो मेरे हाजिरी में ही गुरु जी ने चलवाई। और इसके आगे का जो है सत्संग, वो अगले पार्ट में, पार्ट 5 में शेयर करेंगे, जिसमें कि सत्संग के बाद संगत ने फिर एंजॉय किया और मेरे को बॉम्बे जाने के लिए एकदम वहाँ से सत्संग के बाद दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। और सारी संगत ने वहाँ पे कंवर रिजॉर्ट पे रात को फिर सत्संग किया, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।